देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहादत पाने वाले वीर जवानों को याद करने की मंशा से जिला पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। एसपी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को याद किया, साथ ही उनके परिजनों को शॉल व श्रीफल से सम्मानित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी एसपी कार्यालय कोरबा में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। देश के दुश्मनों से लोहा लेने के दौरान शहादत पाने वाले जवानों को याद करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ महापौर राजकिशोर प्रसाद, पाली तानाखार विधायक मोहित राम क्रिकेटा, रामपुर विधायक ननकी राम कंवर, भाजपा के वरिष्ठ नेता लखनलाल देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद वीर जवानों को याद किया। राजस्व मंत्री के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहीद जवानों के परिजनों को शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान भी किया। हम पुलिस के और बटालियन के और जिन जिन क्षेत्रों में काम करने वाले जो अपने जिस देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उन सभी को हम आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर आज हर वर्ष के भांति 21 अक्टूबर को यहां पे आज एसपी ऑफिस के प्रांगण में यहां पे कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुत भावुक क्षण था, जिसमें पूरे देश में जो विगत एक वर्ष में जो पुलिस परिवार के लोग जो शहीद हुए हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री और अलग अलग प्रांतों में सभी को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। उनके कर्तव्य की पथ पे, कर्तव्य के मेला में जो लोगों जिन लोगों ने अपने प्राणों का आहुति दी है, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों ने आज यहाँ पर उनके जो अपरिमित त्याग है, अतुलित उनका जो शौर्य है, उसको हम लोगों ने नमन करते हुए आज यहाँ पर यह कार्यक्रम किया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी की आंखें नम नजर आई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वीर जवानों को याद करने से उनकी कमी भले ही पूरी ना हो, लेकिन इस तरह के आयोजन से निश्चित ही उनके परिजनों में यह भावना विकसित होती है कि उनके चिराग ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इससे उन युवाओं को प्रेरणा मिलती है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एसएन न्यूज।